देश में जब चुनावी मौसम आता है तो बड़े सारे इतिहास रचे जाते हैं। आज से 23 साल पहले यानी कि साल 2000 में हुए उपचुनाव में भी ऐसा ही इतिहास रचा गया था, जब देश की पहली ट्रांसजेंडर विधायक को लोगों ने चुना। नाम था शबनम बानो उर्फ शबनम मौसी। आज 23 साल बाद शबनम मौसी एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन नया कीर्तिमान रचने के लिए नहीं बल्कि उन पर हुई FIR के कारण। मध्य प्रदेश के शहडोल के सुहागपुर की पूर्व और पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी हमेशा अपने कारनामों के कारण चर्चा का केंद्र रहती हैं। इस बार भी वो चर्चा में है। कारण है आचार संहिता का उल्लंघन। दरअसल MP के अनूपपुर जिले में पुलिस के पास पिस्तौल जमा कराने में विफल रहने के आरोप में शबनम मौसी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी ने साल 2000 में शहडोल जिले की सुहागपुर सीट से उपचुनाव जीता था, जो तत्कालीन कांग्रेस विधायक कृष्णपाल सिंह की मृत्यु के बाद खाली हुई थी। उन्होंने भाजपा के लल्लू सिंह को 17,800 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। हालांकि साल 2003 के विधानसभा चुनाव में वो केवल 1400 वोट पाने में सफल रही और हार गई थी। शबनम मौसी पहले भी एक ऑटो ड्राइवर से मारपीट के कारण सुर्खियां बटोर चुकी हैं। फिलहाल जो FIR हुई है उसमें पुलिस का कहना है कि शबनम मौसी को पिस्तौल जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन पर आदेश की अवहेलना करने के लिए धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। खबरों के मुताबिक शबनम के पास दो बंदूक थी, उन्होंने एक तो जमा करवा दी जबकि दूसरी नहीं करवाई। इस चूक के बाद प्रशासन ने पिस्तौल का लाइसेंस रद्द कर दिया। साल 1994 में किन्नरों को भारत में मतदान का अधिकार मिला था। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली शबनम मौसी जहां देश की पहली किन्नर विधायक थी, तो वहीं पहली किन्नर महापौर कमला जान भी MP ने ही दी। इतना ही नहीं, साल 2018 में अम्बा सीट के साथ MP में 5 किन्नरों ने चुनावी मैदान में ताल ठोक कर भाजपा कांग्रेस बसपा जैसे राष्ट्रीय दलों को सीधी चुनौती दी थी। साल 2018 में नेहा किन्नर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 23.85% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी से चंदा किन्नर को भी टिकट दिया गया है।